सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो गाइज, आज की जो वीडियो होने वाली हमारी फिर से एरोक्स के ऊपर होने वाली है, क्योंकि एरोक्स की इतनी चीजें ना मैं आपको दिखाते दिखाते थक जाऊंगा भाई। बहुत सारी एसेसरीज है सही में, जितनी अपनी R15 KTM वगैरह की एसेसरीज आती है इतनी ही इसकी स्कूटी की एसेसरीज है। तो मैंने सोचा यार क्यों ना आप लोगों को दिखाया जाए इसकी सारी एसेसरीज, इसमें क्या क्या चीजें हम लोग इंस्टॉल करवा सकते हैं। और इसी के साथ में आज हम इसमें लगाने वाले हैं मैं रेडिएटर ग्रिल, जो कि गाइज एक फैन वाली है। अभी आप लोगों को दिखाता हूँ मैं अनबॉक्स करके। अनबॉक्स क्या करना है, बस पैकेट में है वो उसको दिखा दूंगा खोल के, और देखना लगने के बाद में कितनी प्यारी लुक आती है। और जो अपने रबड़ मैट होते हैं थोड़े टाइम बाद में खराब हो जाते हैं, वो पुराने से लगते हैं। अब हम सोच रहे हैं इसके अंदर कुछ यूनिक सा काम करा जाए जिससे हमारी एरोक्स है और अग्रेसिव सी लगे और अट्रैक्टिव सी लगनी चाहिए, क्योंकि यार इतनी महंगी स्कूटी है, महंगी स्कूटी के अंदर जब तक ये सब सामान देखेंगे नहीं आप लोगों को लगेगा नहीं यार क्या है, ये तो थोड़ी नॉर्मल सी है। अपने थोड़े स्टॉक से ऊपर लेके जाएंगे, अपर मॉडल लेके जाएंगे, उसके अंदर हम सारी चीजें लगा के आप लोगों को दिखा दें। फिलहाल तो जो एसेसरीज आप लोगों को दिखाता हूँ इंस्टॉल करके भी। सो गाइस, ये हमारा CNC रेडिएटर गार्ड, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो बहुत ही अच्छी क्वालिटी के अंदर देखने के लिए मिलता है। ये फैन है कुछ इस तरीके का, आप लोगों को पता है रेडिएटर गार्ड किस काम आता है, अपने रेडिएटर को प्रोटेक्ट करने के लिए। अब जैसे कि आप जब अंदर का फैन घूमेगा, इसके ऊपर का जो फैन है ये भी घूमेगा, जब जस्ट रोटेट से आपका हाथ से ही देख पा रहे हो कितनी तेज घूमता है। और इसी के साथ में इसकी कुछ फिटिंग्स है, ये इसकी फिटिंग्स कुछ इस तरीके से देखने के लिए मिल जाते हैं गाइज आप लोगों को, जिसमें नट बोल्ट वगैरह भोगली वगैरह देखने के लिए मिलती है। बात की जाए गाइज, ये फुट मैट है CNC में, और जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो इसके अंदर अब भी आप लोगों को कलर मिल जाएंगे, जैसे रेड है इसमें मिल जाएगा आपको, ब्लैक, सिल्वर, रेड, ऑरेंज, सभी कलर आप लोगों को अवेलेबल हो जाएंगे। और इसी तरीके से इसके अंदर भी आप लोगों को कलर है सारे मिल जाएंगे। तो ये लगेगा अपनी एरोक्स के अंदर, इसमें ऐसा नहीं है एक नहीं है, इसमें दो है लेफ्ट और राइट का, वो भी आप लोगों को दिखाता हूँ। सो गाइस, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो इसकी फिटिंग्स हैं, ये हमारा फुट मैट है CNC वाला, ये देखो भाई इतनी बढ़िया फिनिशिंग में और क्वालिटी तो लाजवाब है। और ये कुछ इस तरीके की प्लेट है ऊपर। इन सब का प्राइस जानने के लिए गाइस हमने नंबर आ रहा होगा, बाकी आप लोग वेबसाइट भी चेक कर सकते हैं, भी कलर अवेलेबल है इसके अंदर। ये हमारा लेफ्ट का आ जाएगा, ये हमारा राइट का। तो चलिए इंस्टॉल करते हैं अपनी एरोक्स 125 में। सो गाइस, ये अपनी एरोक्स है। अब जैसे कि आप लोगों को पता है हमने इसके अंदर कितनी मॉडिफिकेशन कर दी है, अब हम लगाएंगे इसके अंदर CNC फुट मैट। और जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ का कुत्ता खा गया, और ये वाला चेंज होगा हमारा, और उसी के साथ में ये कवर हटके हमारा CNC कवर इसके अंदर रेडिएटर गार्ड लगाएंगे। फुट मैट को लगाने का फायदा एक ये भी है गाइस, ये हमारा जब आप लोग क्रैश गार्ड लगाते हो ये चीज हमारी नीचे चले आती है। अब इसको हटाने के लिए जस्ट इस तरीके से खींचिए, उसके ऊपर जो ये होल देख पा रहे हो इसके अंदर हमारी जो फिटिंग्स थी नट बोल्ट थे उसके अंदर घुस जाएंगे, जस्ट ऊपर से टाइट करना, अपना आप ही जो हमारा फुट मैट है वो इसके अंदर फिट हो जाएगा। सो ये इसकी फिटिंग्स है, ये इसके अंदर लग जाएंगी सब के अंदर, तो आराम से लग जाएगा ये भाई। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो इसमें रबड़ वाले नट हमने इसके अंदर लगा दिए सारे, और अब ये जो फुट मैट है अपना CNC वाला इसको हम इसके ऊपर ही लगा देंगे, जितने भी इसमें नट देख पा रहे हो सब में लग जाएंगे। तो गाइस जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो यहाँ का इंस्टॉल हो चुका है, अब सेम प्रोसीजर रहेगा इधर का भी लगाने का, तो यहाँ का भी इंस्टॉल कर देते हैं। तो गाइस जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो हमारा इस साइड का भी फुट मैट लग गया, इधर का भी लग गया, अब बारी आती है रेडिएटर ग्रिल को लगाने की, अब इसको भी इंस्टॉल कर लेते हैं। गाइस रेडिएटर कवर को निकालने के लिए एक दो तीन तीनों स्क्रू निकाल के ये बाहर आ जाएगा, और सी के ऊपर ऐसे लग जाएगा, जो उसके साथ में भोगलियाँ मिली थी ना सब कुछ उसमें लग जाएगा। सो गाइस आप अपना ये आला लगाएंगे, और सी के साथ में जो भोगलियाँ थी उसको बताऊंगा किस तरीके से इसके अंदर लगेगा। तो गाइस जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो हमारा रेडिएटर कवर लग चुका है, और ये देखो कितना बढ़िया लग रहा है घूमते में। आगे की तरफ हमारा फुट मैट CNC वाला, और पीछे की तरफ ये। कमेंट डाउन बिलो आप लोगों को कैसा लगा कैसा नहीं। बाकी जिस किसी भाई को भी काम कराना आ सकता हमारे स्टोर पे, सामने से देख पा रहे हो गोपालपुरी का और शॉप येरी, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, और इसी तरीके का काम आप लोगों को दिखता रहेगा।
सो फाइनली गाइज अपनी स्कूटी के अंदर लग चुके हैं रेडिएटर ग्रिल कवर, वो भी पंखे वाला। आप जब घुमाओगे बहुत मजेदार घूमेगा, और जब अपनी स्कूटी चलाओगे जब हीट हो जाएगी, जब आपकी स्कूटी के अंदर जो फैन होता है रेडिएटर वाला, रेडिएटर फैन, जब वो घूमेगा तो उसके साथ में आपके ऊपर ये पंखड़ी है वो भी घूमेगा, दूर से अट्रैक्टिव लगेगा यार ये है क्या चीज। माशाल्लाह से स्कूटी भी इतनी अट्रैक्टिव है, खड़ी हो जाती है ना कहीं 10 लोग पूछते हैं यार कैसी है, कौन सी स्कूटी है, कितने की है, क्या नहीं। जब इसके अंदर एसेसरीज लगेगी ना तो भाई ये समझ लो लेवल ही कुछ और होगा अपनी स्कूटी का। उसी के साथ में हमने लगाया जेंसी वाले फुट मैट, जो कि आप लोगों ने देखा होगा फर्स्ट टाइम किसी स्कूटी के ऐसे एल्युमिनियम में सीएनसी में फुट मैट भी आते हैं। इसमें कलर वेरिएंट भी आप लोगों को दोनों तीनों में अलग अलग मिल जाएगा। तो गाइस बस यही था आज की इस वीडियो में। रॉक्स वाले भाई लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और कुछ कुछ ऐसे एसेसरीज लगाऊंगा जो सभी भाइयों के लिए होगी, मतलब सभी स्कूटी मोटरसाइकिल्स के अंदर आप इसको इजीली तरीके इंस्टॉल कर सकते हो। वो सब भाई भी इस चैनल को कर लो सब्सक्राइब, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना। ये प्रोडक्ट आपको लोगों को बाय करने हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, बाकी स्क्रीन पर नंबर आ रहा होगा, वहाँ से जाके भी आप इसको बाय कर सकते हो। बस मिलते हैं जल्द एक नेक्स्ट वीडियो में, तो टिल देन बाय।